असलकुम वेलकम टू आमनाज रिएक्शन कैसे हैं आप सब चलें जनाब सितारा का व्लाग तो आया ही आया आगे पीछे जो है वो नजमा का व्लाग भी आ गया पता है पहले मुझे नजमा का व्लाग जो है ना वो देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि सितारा की जब पता है इस टाइम सितारा अपने व्लाग अपलोड करती हैं तो उसके आगे पीछे नजमा ने भी अपना व्लाग क्यों अपलोड किया लेकिन जब मैंने नजमा का व्लाग देखा तो फिर सारी सूरत हाल मेरे जहन में एकदम से ना क्लियर हो गई कि ये व्लाग मेरे ख्याल में नजमा का मच नीट किड व्लॉग था और बहुत सारे लोग हैं जिनकी अक्ल खोलने के लिए ये काफ़ी है मैं नजमा के कमेंट्स पढ़ रही थी व्लाग पर मैं थोड़ा बाद में डिस्कशन करूंगी पहले मैं सितारा के व्लाग को डिस्कस कर लूँ फिर मैं नजमा के व्लाग के की पॉइंट्स पे बात करूंगी बस तो किसी खातून ने लिखा हुआ था किसी आईडी ने लिखा हुआ था नजमा को कि जाओ तुम दिलबर से शादी कर लो मतलब हद है अक़ल को थोड़ा इस्तेमाल किया करें नजमा जो है वो दिलबर की मोमानी है यानी मामू की बीवी और रिश्ते जो है ना खुदारा अभी इतना बे वक़त नहीं हुए कि उसको आप इस तरह से आकर किसी को भी कह दें तो ये चीज मेरे ख्याल में आपको सोचना चाहिए इस तरह के फजूल कमेंट्स करने से पहले और जो सितारा को सपोर्ट करते हैं जो सितारा के लिए स्टैंड करते आए जो सितारा के लिए आवाज उठाते हैं मैं समझती हूँ वो कभी भी इतनी वलगारिटी की जानब जाएंगे ही नहीं जो वलगर चीजें उन्हें सितारा के लिए कबूल नहीं थी वो वलगर चीजें वो किसी और लेडी के लिए भी कभी भी यहाँ पर उसे आ, कहते हैं ना उसको आ, क्या कहना चाहिए उसको कभी भी इनकरेज नहीं करेंगे तो ये मेरा पीओवी है बाकी सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने में आजाद है तो जना आप सितारा का व्लॉग देख करना मुझे पहले तो नजमा पे बहुत गुस्सा आया इसलिए आया कि नजमा आपने अपने मॉर्निंग वाले वीडियो में जो सितारा का की था व्लॉग का वो पूरा ही दिखा दिया वो जो था शादी का रिव्यू मुझे बहुत अफसोस हुआ थोड़ी सी चीजें मेरे ख्याल में ख्याल कीजिए ये बहुत हो गया ना अब तो सितारा के जो व्लॉग्स हैं उस पर सितारा का भी राइट है सितारा की चीजों पर सितारा का भी राइट है तो उसे सितारा के लिए ही छोड़ दिया जाए और मुझे बहुत अफसोस हुआ फिर क्या है जनाब एक और चीज जो क्लियर हुई और वो चीज़ मैंने फील की थी वो ये थी कि अलिशा की शादी के टाइम हमने देखा था कि सितारा ने दुल्हन को रूम में बिठाना ये सब कुछ सब कुछ दिखाया था लेकिन फातिमा और वक़ार की शादी के टाइम जो सितारा है वो इस मोमेंट को कैप्चर नहीं कर पाई थी तो वक़ार ने अब इस वीडियो के आकर अंदर क्लियर बोल दिया कि आप बारात के दिन से जो गायब हुई हैं तो आपने आज कदम रखा है तो बहुत मैटर करते हैं वक़ार के ये जो वर्ड्स हैं और यहाँ पर मैंने ये भी देखा कि जो अम्मी है ना सितारा की वो एकदम से बैक पे चली गई मतलब वो जो एक रिव्यू पॉइंट था ना जहाँ सितारा सबसे शादी के हवाले से रिव्यू ले रही थी हमेशा मैं ये देखा करती थी सितारा अपनी अम्मी को प्रायोरिटी दिया करती थी और कहती थी अम्मी पहले आप बताइए अम्मी ये चीज़ कैसी थी लेकिन मुझे लगता है वो एक पॉइंट वो जो सब ने देख लिया था और उसके बाद जो सब्सक्राइबर्स हैं जो लोग हैं इवन वो सब देख बहुत हर्ट हुए थे कि अम्मी को ऐसा नहीं करना चाहिए था तो आ, जो सितारा है वो वाक्यता हर्ट हुई थी और इस चीज़ का अम्मी को भी एहसास है कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना वो बैठ जाती हैं वक्त के साथ जाहिर सी बात है ये जो जज्बा है या ये जो एक वक्ती एक कहना चाहिए ना थोड़ी सी दिल में बात आ गई है वो टाइम के साथ कवर अप हो जाएगी इन श माँ बेटी हैं लेकिन एक जो मोमेंट है ना वो सब ने पूरी दुनिया ने देख लिया और यहाँ से क्लियर हो जाता है कि उस मोमेंट के बाद जो सितारा है वो रुखसती और जो दीगर रस्में थी उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट भी नहीं किया उनको अपने ब्लॉग का पार्ट भी नहीं बनाया और एकदम से वो किनारे हो गई कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं खैर जनाब आज का जो व्लॉग था उसमें हमने देख लिया और सितारा ने अपना पहले तो मोबाइल लेकर अनु किसे कहती है मेरे ख्याल में नजमा की बेटी को कहती है उसको आ, कैप्चर करने भेज दिया सब कुछ और उसने एक कैप्चर किया फिर जो है सितारा खुद गई तो ये वाली चीज़ भी हम लोगों ने देखी और सितारा ने सबसे शादी का रिव्यू लिया और अम्मी से ना एक बार भी नहीं पूछा कि अम्मी शादी कैसे हुई मतलब आपको कैसी लगी शादी ये चीज़ जो है ना एकदम से बहुत क्लियर हो गई और सब आकर शादी के हवाले से सितारा को अप्रिशिएट कर रहे थे इवन वो ममानी भी जिनके घर के अम्मी गई थी बीना बाजी और मामू नदीम से मिलने और अम्मी जो है ना मुझे लगता है एकदम से जो बहुत फ्रंट पे रहा करती थी वो एक मोमेंट जो है वो उसने सितारा को इतना हर्ट किया कि जो अम्मी है वो एकदम से बैक पे चली गई या उसने अब छोड़ दिया पूछना अम्मी से क्योंकि आ, बहुत सारी चीजें जो हैं वो टाइम के साथ शायद के हर्ट भी हुई और क्लियर भी हो गया खैर जनाब नजमा ने दुआएं दी सब ने दुआएं दी लेकिन सितारा देखते हैं वक्त के साथ साथ कौन आपके साथ मुखलिस रहता है और वफादारों में छुपे कितने अदाकार मजीद निकल कर आते हैं आपकी फैमिली से ये तो था आपके व्लॉग पर रिव्यू एक चीज बहुत क्लियर हो जाती है यहाँ से कि जो डीडी ने तमाशा किया है निकाह के नाम पर और इतने डाउट्स क्रिएट कर दिए लोगों के जहनों में उसका जो है पूरी जो बरादरी थी वहां पर उस टाइम नजमा की रिहाइश का है कोर्ट में ना तो वहीं डीडी और शहबाज और ये सारे लोग भी थे सुमेरा फातिमा भी थी बीबी भी, भी, भी था तो नजमा ने कहा वो लोग वहाँ से मंगल को निकले हैं और उससे पहले से उन लोगों के कानों में ये बात पड़ चुकी थी कि जुमे को डीडी का निकाह है मतलब सेम उन्हीं डेज में जबकि फातिमा और वक़ार की शादी होना थी डी फुल प्लानिंग के साथ आया था और जो सारी चीज़ें एक हम लोगों के जहनों में हैं यानी मेरे जहन में तो एटलीस्ट है और मैं उसी को पॉइंट बनाकर बात कर रही हूँ उसी बेसिस पर मैं बात कर रही हूँ मैं किसी के दिए हुए किसी भी प्रूफ पर किसी भी बात पर अपनी बात नहीं करी बल्कि जो मेरी आंखें देख रही हैं वीडियोस के थ्रू जो चीज़ें मुझे समझ और नज़र आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग बात करूं तो इससे ये दिया जाता है कि ये चीज़ें फिर नानी के नॉलेज में भी आ गईं सितारा के नॉलेज में भी आ गईं तो फिर मुझे ये बताएं फातमा कैसे ला इल्म हो सकती है सुमैरा कैसे ला इल्म हो सकती है बाबर कैसे ला इल्म हो सकता है शहबाज कैसे ला इल्म हो सकता है तो अब आप लोग ये समझ जाएं नजमा की इस वीडियो के बाद कि ये सारे मिलकर आपके इमोशंस से खेल रहे हैं कोई जस्टिस नहीं है कुछ भी नहीं है इन्हें अपने हेटर सपोर्टर बनाने हैं सपोर्टर तो शायद बहुत बन जाएं और हेटर मेरे ख्याल में नहीं बन पा रहे लोग तनकीद कर रहे हैं लेकिन जो मैं ये देख रही थी आज सितारा हेटर की लाइफ कि वो भी कह रही थी कि दीदी और फातमा एक्सपोज मतलब उनका दिल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा इवन सितारा की हेट में भी नहीं कर रहा क्योंकि ये चीज़ जो है ना वो बिल्कुल इलॉजिकल है जिस तरह से ये अडीडी और ये सारे इस चक्कर फसाने को लेकर आए नजमा ने क्लियरली जब एक बात कर दी तो यहाँ बात ख़त्म हो जाती है फिर आयशा के हवाले से नजमा ने अब बात की है जब मामू नदीम ने आकर इस कस्से को खोला है तो नजमा ने अपना मुंह इस मुद्दे पर आकर खोला है अदरवाइज़ तो यहाँ दुनिया ही आयशा को जो है ना वो बुरा समझती थी क्योंकि दीदी ने उसका एक इमेज ऐसा दिया था कि उसने उसके सर पर दो नाली रखकर उससे कहा था कि साइन करो पेपर और डीडी तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था लेकिन यहाँ ये सूरत हाल क्लियर हो गई कि किसने किसके साथ क्या किया था और क्या नहीं किया था जब आप लोगों को हक है ना अपनी आ, बातें बयान करने का तो मेरे ख्याल में इस टाइम आयशा को भी राइट मिल जाना चाहिए अपनी जो पोजीशन है उसे क्लियर करने का बीइंग डीडीज एक्स वाइफ है ना उसके पास भी राइट है क्योंकि औरत तो फिर वो भी है उसने बहुत टाइम तक बहुत यहाँ पर लव्स सुने हैं फिर भी उसके हेटर सपोर्टर नहीं बने लेकिन फातमा जो है उनके बहुत बड़े बड़े माशाल्लाह सपोर्टर्स बन गए हैं और एक नदीम मामू ने आकर छोटी सी बात की और उस पर इतना इतना बड़ा फसाना क्रिएट हो गया मैं ये नहीं कह रही बहुत अच्छा किया नदीम मामू ने नहीं करनी चाहिए थी गलत की लेकिन इनकी फैमिली का तो ये तरीका कार रहा है ना अब देखें आप लोगों के पास किस तरह से अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह की कहानियां आ रही हैं तो कौन लेकर आ रहा है इनके घर आने के लोग लेकर आ रहे हैं तो अगर आप लोगों को पसंद नहीं है कि कोई पर्सनल बात करे तो फिर पर्सनल चीजें जो है आप लोग भी उसको हवा मत दें क्योंकि ये रिएक्शन का दस्तूर नहीं है ये रिव्यू का दस्तूर नहीं है ये फिर ये है कि आप लोगों के घरों के अंदर से चीजें निकाल निकाल कर लाकर यहाँ पर जो तमाशबीन है उनके सामने रख रहे हैं ये तो ये वाली चीज़ हो गई है और ये तमाशा यहाँ पर स्टार्ट हो गया है तो अगर फातपा को इन नाइट और इन डे स्टार बनना था तो अभी तो सिर्फ कहती हूं ना मैं कि बहुत छोटी सी एक फातिमा के हवाले से यहाँ पर कहानी आई है ना किसी ने फातिमा के किरदार को कुछ बोला है ना कुछ और बात हुई है बस एक छोटी सी ये चीज आई है कि डीडी से डिमांड की गई थी कि बच्चे को भी छोड़ो आयशा को भी डावोर्स तो फिर जो है फातिमा डीडी से शादी करेगी और डीडी ने वो काम कर दिखाया तो फिर डीडी और फातिमा का निकाह हुआ तो यही वाली बात जो है वो नजमा ने भी कह दी मामू नदीम के बोलने के बाद अदरवाइज आज तक इन बातों पर पर्दा ही पड़ा हुआ था लेकिन जब चीजें खुलती हैं तो फिर खुलती हैं और नजमा जो है उनके पास तो एक अपॉर्चुनिटी थी ना कि वो यहाँ डीडी से भरपूर इंतकाम लेती क्योंकि डीडी ने जो नजमा के लिए वीडियो बनाया था वो बहुत खौफनाक वीडियो था मतलब इतना वलगर वीडियो था और नजमा के पास तो एक अच्छी नजमा के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि वो जो है इस टाइम जो बिल्कुल फातमा के हक में नारे लगाती और डी डी को जलीलो रस्वा कर देती मगर जो एक फैक्ट था उस पर बात की और ये भी एक बड़े पॉइंट की बात की नजमा ने कि जब इस निकाह के बारे में शोर उठा था कि जुमे को निकाह होने जा रहा है मतलब जब ये लोग अपनी बच्ची और वकार का निकाह करने घर से रवाना हो रहे थे तो उस वक्त भी अगर फातिमा शोर कर देती तो हो सकता है सारे बड़े मिलकर डीडी को समझा लेते गो के डीडी को सुनना नहीं था और नजमा ने शिकवा किया कि ये बड़े तब भी खामोश थे जब डीडी ने आयशा को डावोर्स दी थी तो ये सारे मसले मसाइल हैं इसको सुनने के बाद मुझे पता है मजीद यहाँ पर एक दूसरे के किरदार पर कीचड़ उछाली जाएगी अभी तो मामू नद्दीम जो है उनके कच्चे छट्टे खोले जा रहे हैं पता नहीं क्या क्या हो रहा है फिर नैनू जो है उसका उसके भाई ने यहाँ पर एक तमाशा बना दिया है और पता नहीं किस किस का यहाँ पर मजीद जो तमाशा है वो बनेगा उसके बाद मेरे ख्याल में जस्टिस और स्टैंड दोनों जो है वो फातिमा के हाथ में आ जाएगा तब तक के लिए खुश रहें दुआ में याद रखें अल्लाह हाफ